ये हैं कुछ चीजें नई एमजी हेक्टर के बारे में जो मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगी। हेक्टर में जो इंफोटेनमेंट सेंटर दिया हुआ है वो है तो बहुत बड़ा, पर इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इसमें बग्स भी हैं और ये थोड़ा लैगी भी है। मुझे ऐसा लगता है जब एमजी ने डिसाइड किया कि सारे ऑप्शन टच स्क्रीन में ही देंगे तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। बहुत बार सेटिंग्स खोलते खोलते क्या होता है, ऑप्शंस और चीज़ें अटक जाती हैं और फिर अबाउट 1 से 2 सेकंड लग जाता है उसे वापस ठीक होने में। इसका सनरूफ है तो बहुत लंबा आगे से पीछे तक और अपने आप में क्लास लीडिंग भी रहा है, बट जो इसकी चौड़ाई है ना वो पता नहीं क्यों इन्होंने कम कर दी है। अब यहाँ पर जब मैं पीछे बैठता हूँ तो आधा मुझे ये रूफ दिख रहा है और आधा सनरूफ दिख रहा है। आई थिंक दे कुड हैव डन इट बेटर और इसका चौड़ाई थोड़ा सा और बढ़ा देते तो मजा आ जाता। एक और चीज मुझे इस गाड़ी में जो ऑड लगी वो ये था कि इसका वायरलेस चार्जिंग पैड 100% हमेशा काम नहीं कर रहा था, जैसे ये अभी काम नहीं कर रहा है। ये फोन चार्ज पे नहीं है, चार्ज पे होता तो डिस्प्ले पे दिख जाता।